अपनाई देता है। पूरा विश्व का ध्यान भारत के इस चुनाव में था। ये चुनाव कितना बड़ा होता है, कितना व्यापक होता है, इसकी व्यवस्थाएं कितनी बहुत होती है, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। और इस काम को चुनाव आयोग ने, राज्यों के चुनाव आयोगों ने, सरकार से संबंधित सभी छोटे मोटे मुलाजिम अधिकारी, सुरक्षा बल, इन सब की एक कठोर परिश्रम का ये कालखंड होता है। सुचारू रूप से भारत के लोकतंत्र के उस उत्सव को विश्व के सामने और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए योगदान देने वाले उन सभी का भी इस सदन में आप सबके माध्यम से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारत में तो चुनाव अपने आप में एक उत्सव था, मतदान भी अनेक रंगों से रंगा हुआ था, भरा हुआ था, लेकिन विजयोत्सव उससे भी अधिक शानदार था। न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में फैले हुए भारतीयों ने और भारत प्रेमियों ने भारत के इस विजयोत्सव में जिस बढ़ चढ़ करके उमंग और उत्साह के साथ दुनिया भर में हिस्सा लिया है, ये अभी अपने आप में हम सबके लिए गर्व का अवसर है। मैं विश्व भर में इस उत्सव को मनाने वाले, इस चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष से जुड़े हुए उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं, उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना होगा। भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, भारत का नागरिक, उसका जो नीर क्षीर विवेक है, शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है। और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता, पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है, लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो
सर झुका करके स्वीकार करता है।